Hello everyone and welcome back again to another fresh video of Ashutalks. I hope you all are doing absolutely fine. तो आज की इस वीडियो में मैं आपको Infytq प्लेटफॉर्म के बारे में सभी डिटेल्स बताने वाला हूँ. जो जो न्यू अपडेट हुए हैं Infytq प्लेटफॉर्म पर उसकी डिटेल्स बताने वाला हूँ दोस्तों. तो जैसे कि आपको पता होगा TCS का प्लेटफॉर्म था TCS आयन, जिसकी TCS NQT एग्जाम होती थी. वैसे Infytq जो है वो इंफोसिस का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इन्फोसिस की एग्जाम होती है दोस्तों. तो आज की वीडियो में हम सभी डिस्कस करने वाले कि क्या क्या अपडेट आया है दोस्तों, क्या क्या चेंजेस हुए इस वेबसाइट में, किस तरह से आपको फ्री कोर्सेज प्रोवाइड किए गए, किस तरह से आप इन्फोसिस की एग्जाम दे सकते हो, Infytq एंड इन्फोसिस में जॉब कर सकते हो दोस्तों. तो सभी डिटेल्स हम इसी वीडियो में देखने वाले. आप वीडियो को एंड तक के जरूर देखें, मैं सभी आपको अपडेट देने वाला हूँ. जो भी लेटेस्ट चेंजेस हुए सभी डिस्कस हम करने वाले इसी वीडियो में दोस्तों. उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे. जैसे कि आप देख सकते हैं साइबर सिक्योरिटी की फ्री इंटर्नशिप एंड फ्री कोर्स है दोस्तों सिस्को की तरफ से. तो वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल एंड यूजफुल होने वाला आप सभी के लिए. एंड अगर आप अपने इंग्लिश टेस्ट करना चाहते हैं दोस्तों तो ये वीडियो जाकर देख सकते हैं. यहाँ पे आपको अपने इंग्लिश की लेवल जो है वो टेस्ट हो जाएंगे, तो आप ये जाकर चेकआउट कर सकते हैं. एंड उसका जो सर्टिफिकेट होने वाला है वो वर्ल्ड वाइड वैलिड होने वाला है. तो इस तरह से बहुत सारे इंटर्नशिप रिलेटेड एंड फ्री ऑनलाइन कोर्सेज रिलेटेड वीडियोज आपको मेरे चैनल पर दिख जाएंगे, तो वो जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं. साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर मैं रेगुलर लेटेस्ट अपडेट देता रहता हूँ दोस्तों. अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, बात कर लेते हैं Infytq के बारे में. तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उस पर जैसे ही क्लिक करते हो आपके सामने इस तरह का वेब पेज अपेयर हो जाएगा. तो जैसे कि आप देख सकते हो इसका जो अपियरेंस है, ये लुक है जो पूरा का पूरा चेंज हो चुका है. यहाँ पे पूरा न्यू अपडेट हो चुका है ये. तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको वीडियो फॉर्म में दिखने मिल जाता है. एंड साथ ही आप स्क्रोल डाउन करते हो तो यहाँ पे आपको जो इन्फोसिस की न्यूज है वो सभी चीजें, इन्फोसिस के अपडेट जो है वो सभी चीजें आपको यहाँ पे देखने मिल जाती है अगर आप स्क्रोल डाउन करते हो. तो अभी सिंपली आपको सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म पर लॉग इन करना होगा. तो यहाँ पे आपको साइन इन एंड रजिस्टर का ऑप्शन देखने मिल जाता है. आप अगर न्यू हो इस प्लेटफॉर्म पर तो आपको सिंपली रजिस्टर पे क्लिक करना होगा. आप रजिस्टर पे क्लिक करते हो आपके सामने कुछ इस तरह का वेब पेज अपेयर हो जाता है. आप देख सकते हो यहाँ पे आपको लॉग रजिस्टर करना होगा. आप फेसबुक या गूगल दोनों अकाउंट से लॉग इन रजिस्टर कर सकते हो, या तो फिर यहाँ पे अपने नॉर्मल ईमेल एड्रेस वगैरह ऐड कर सकते हो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल के पासवर्ड डाल के रजिस्टर कर सकते हो. तो इस तरह से आपको करना है इन्फोसिस के प्लेटफॉर्म पर Infytq पर. तो आप जैसे ही ऐड कर देते हो दोस्तों तो आपको ईमेल वेरिफिकेशन आएगा दोस्तों अपने ईमेल आईडी पर, जो आपने ईमेल आईडी डाली है. एंड जो स्पेशल नोट है दोस्तों, आपको एक ही ईमेल एड्रेस ऐड करना है. अगर आप मल्टीपल ईमेल एड्रेस ऐड करते हो, यहाँ पे अलग वहां पे अलग, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाती है. बहुत लास्ट टाइम बहुत लोगों एग्जाम नहीं दे पाए थे Infytq क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ईमेल एड्रेस ऐड किए थे, अलग अलग ईमेल एड्रेस ऐड किए थे. तो आपको फर्स्ट स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक के एक ही ईमेल एड्रेस यूज करना है दोस्तों, ताकि आपको बराबर प्रॉपर मेल आ सके दोस्तों. तो आपको सबसे पहले अपना जो ईमेल आईडी है वहां पे आपको अपना मेल आईडी है वो वेरीफाई कर लेना है. यहाँ पे Infytq प्लेटफॉर्म के लिए जो मेल आता है आपको वो वेरीफाई कर लेना है. तो आपको सिंपली मेल पे क्लिक करना है. यहाँ पे ये जो आपको लिंक मिली है उस पर क्लिक करना है. आप जैसे ही करते हो तो आप इस प्लेटफॉर्म पर लॉग इन हो चुके हैं दोस्तों. आप देख सकते हो गेट एन एज विथ इन्फोसिस सर्टिफिकेशन. तो बहुत ही अच्छी वेबसाइट बन चुकी है दोस्तों, नई नई चीजें अपडेट होती जा रही है इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर. तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे कोर्सेज, फ्री कोर्सेज प्रोवाइड किए गए. इसके पहले आपको Infytq प्लेटफॉर्म पर कोर्सेज प्रोवाइड नहीं किए जाते थे, अभी सभी चीजें सभी लोग कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं. तो इन्फोसिस ने भी अपने कोर्सेज ऐड कर दिए इस प्लेटफॉर्म पर दोस्तों, Infytq पर. तो आप देख सकते हो वेरियस कोर्सेज आपको देखने मिल जाते हैं, फाउंडेशन कोर्सेज देखने मिल जाते हैं, बिगनर लेवल के भी कोर्सेज आपको देखने मिल जाते हैं. पाइथन रिलेटेड है ये सभी जो कोर्सेज है, आपको पाइथन रिलेटेड देखने मिल जाते हैं. जावा रिलेटेड भी कोर्स आपको यहाँ पे देखने मिल जाते हैं अगर आप स्लाइड करते हो तो. फिर और जो लेटेस्ट दूसरे जो कोर्सेज है, डिफरेंट कोर्सेज है, वो सभी कोर्सेज भी आपको यहाँ पे देखने मिल जाते हैं अगर आप स्क्रोल डाउन करते हो तो. तो इस तरह से बहुत सारे कोर्सेज भी प्रोवाइड किए गए दोस्तों हमें इस प्लेटफॉर्म पर. यहाँ पे आप देख सकते हो इन्फोसिस सर्टिफिकेशन पे क्लिक कर सकते हो. तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के बारे में देखने मिल जाता है. यहाँ पे इन्फोसिस सर्टिफिकेशन जो है उसकी डिटेल्स मिल जाती है. यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी अक्रेडिटेशन होने वाला है आपका इन्फोसिस सर्टिफिकेट. तो ये एक एग्जामिनेशन प्रोसेस होने वाली है इन्फोसिस सर्टिफिकेशन के लिए, जहां पे आपको नॉलेज चेक किया जाएगा आपका प्रोग्रामिंग एंड डाटाबेस में. तो इस तरह से ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम होने वाला है आप सभी के लिए. एंड यहाँ पे आपको इन्फोसिस सर्टिफाइड सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर का सर्टिफिकेट मिलेगा. एंड इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी में मिल जाती है सिस्टम इंजीनियर रोल के लिए इन्फोसिस कंपनी में. तो बहुत ही अच्छी बात होने वाली है आप सभी के लिए. आपको इन्फोसिस में जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है अगर आपको इस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कर लेते हो. आपको इसका सर्टिफिकेशन मिल जाता है. आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने मिल जाता है. अगर आप बी बी टेक एमई एमटेक एमएससी एमसीए और एमसीएम के स्टूडेंट हो, आप 22 में ग्रेजुएट हो रहे हो दोस्तों, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो. 22 जो पास आउट बैच होने वाली है उनके लिए स्पेशल होने वाला है. अगर आप बी बी टेक एमई एमटेक कर रहे हो तो, और आप 2022 में पास आउट होने वाले हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो दोस्तों. इस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हो. फ्रेशर्स के लिए होने वाला है दोस्तों, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है आप सभी के लिए.
आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन प्रोसेस देखने मिल जाते हैं। पहला जो राउंड होने वाला है क्वालिफिकेशन राउंड, तो इसमें आपको एप्टीट्यूड चेक किया जाएगा आपका, प्रोग्रामिंग एंड डाटाबेस मैनेजमेंट में थोड़ा बहुत आपका नॉलेज चेक किया जाएगा। फिर फाइनल राउंड आ जाता है, अगर आप क्वालिफिकेशन राउंड क्लियर कर देते हैं तो उसके बाद आपका फाइनल राउंड आ जाता है। अगर आपका 65% से ज्यादा आ जाता है फाइनल राउंड में, तो आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा इन्फोसिस सर्टिफाइड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का, एंड आपको इन्फोसिस में जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी एज अ सिस्टम इंजीनियर रोल, जैसे कि मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद आपका एडवांटेज राउंड हो जाता है दोस्तों, या फाइनल राउंड के अलावा जो एक न्यू एडिशनल राउंड है वो है एडवांटेज राउंड। यहाँ पे आपको पावर प्रोग्रामर की टेस्ट दी जाएंगे एंड आपको प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल जाएगा एज अ पावर प्रोग्रामर एंड सिस्टम इंजीनियर स्पेशलिस्ट इन इन्फोसिस दोस्तों। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए। यहाँ पे आपको टेक्निकल एंड बिहेवियर स्किल्स चेक की जाएंगी, उसके हिसाब से आपको एडवांटेज राउंड में पर्क मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको जो सर्टिफिकेशन एग्जाम है उसके स्टेप्स देखने मिल जाते हैं। सबसे पहले आपको इन्फोसिस सर्टिफिकेशन पे रजिस्टर करना होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया आपने जैसे अकाउंट क्रिएट किया उस तरह से आपको रजिस्टर करना होगा। जैसे ही आपने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कर लिए जावा या पाइथन में से, उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन राउंड एंड फाइनल राउंड टेस्ट होने वाला है। आपने जो लैंग्वेज सिलेक्ट की है उसी पे बेस्ड होने वाला है, और एक बार आपने लैंग्वेज सिलेक्ट कर ली तो वो चेंज नहीं होने वाली है। उसके बाद आपको अपना टेस्ट स्लॉट सिलेक्ट कर लेना है, बुक कर लेना है कि आप कब टेस्ट देना चाहते हो, उस तरह से आपको टेस्ट ली जाएंगे। फिर उसके बाद आपकी जो लर्निंग जर्नी है वो स्टार्ट हो जाएंगी, प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम की जर्नी स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पे आपको लर्निंग जर्नी मिल जाती है जहां से आप अपना प्रिपरेशन गाइड कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो इस पर्टिकुलर एग्जाम के। एंड आपका जो सिस्टम है, आपका जो लैपटॉप है, वो इसके लिए एसेसिबल है कि नहीं, कंपेटिबल है या नहीं इन्फोसिस सर्टिफिकेशन एग्जाम के लिए, जो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है वो चेक कर लेना आपको। तो यहाँ पे आपको चेक करने का ऑप्शन देखने मिल जाता है, वो भी हम आपको चेक करके दिखाने वाले। फिर जो एग्जामिनेशन की गाइडलाइंस है वो भी आपको यहाँ पढ़ने मिल जाती है, उसका जो शेड्यूल है और डेट टाइम है वो सभी चीजें आपको यहाँ देखने मिल जाती है। तो सभी चीजें हम एक एक करके चेक कर लेते हैं। तो ये जो लर्निंग जर्नी का ऑप्शन हमें देखने मिल जाता है उसके बारे में हम देख लेते हैं कि लर्निंग जर्नी में क्या क्या इंक्लूडेड है दोस्तों। तो वो सभी चीजें आप चेक कर लेते हैं यहाँ पे। फिर सिस्टम कंपैटिबिलिटी भी चेक कर लेंगे हम। तो जो लर्निंग जर्नी का पेज है वो ओपन हो रहा है। तो इस तरह से आपको लर्निंग जर्नी देखने मिल जाती है, इन्फोसिस सर्टिफिकेशन की लर्निंग जर्नी देखने मिल जाती है। यहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग देखने मिल जाती है, यहाँ पे आपके स्टेप्स होने वाले हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट, बिहेवियरल स्किल एंड इन्फोसिस सर्टिफिकेशन। इस तरह से आपकी प्रोग्रामिंग लर्निंग जर्नी होने वाली है। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं एंड उसके बाद टेस्ट दे सकते हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएंगी, आपको इसका नॉलेज आ जाएगा दोस्तों। फिर उसके बाद हमें जो आ जाता है चेक योर सिस्टम कंपैटिबिलिटी, तो आपका सिस्टम जो है वो कंपैटिबल है या नहीं, उसके लिए यहाँ पे आपको टेस्ट देखने मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे अपना कैमरा अलाउ करना होगा। तो यहाँ पे आपका जो क्रोम वर्जन है वो 17 अबाव होना चाहिए, तो आपको अपना क्रोम अपडेट कर लेना है। एंड आपकी जो इंटरनेट स्पीड है वो फास्ट होनी चाहिए, एंड आपका वेबकैम अलाउ करना चाहिए, तभी क्योंकि आपकी जो एग्जाम होने वाली है उसमें टोटली आपका जो टाइम है उसमें 100% आपका वेबकैम ऑन रहेगा, वेबकैम ऑन करके ही आपको देना है। फिर हार्डवेयर चेक हो जाता है आपका एंड डिवाइस कंपैटिबिलिटी चेक हो जाती है। इस तरह से आपको लिख के आ जाएंगे कि आप इन्फोसिस सर्टिफिकेशन एग्जाम दे सकते हो इस डिवाइस पे या नहीं। अगर नहीं दे सकते हो तो आपको दूसरा डिवाइस चेकआउट करना होगा। मैंने यहाँ पे वेबकैम के लिए रिजेक्ट कर दिया, इसलिए यू विल नॉट बी एबल बोल रहा है। अगर मैं वेबकैम के लिए एक्सेप्ट कर देता तो यहाँ पे आई विल बी एबल फॉर द इन्फोसिस सर्टिफिकेशन एग्जाम। तो इस तरह से इसका सर्टिफिकेशन एग्जाम होने वाला है दोस्तों। यहाँ पे आपको चेक मिल जाता है, यहाँ पे आप चेक कर लेते हो कि आपका जो सिस्टम है वो कंपैटिबल है या नहीं, तो इस तरह से होने वाला है। फिर यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन गाइडलाइंस देखने मिल जाती है, तो हम एग्जामिनेशन गाइडलाइन डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या एग्जामिनेशन गाइडलाइंस होने वाले। तो ये आपको देखने मिल जाती है इन्फोसिस सर्टिफिकेशन की एग्जामिनेशन गाइडलाइन। तो सिस्टम की रिक्वायरमेंट देखने मिल जाती है कि आपका जो कोर प्रोसेसर होने वाला है वो i3 होना चाहिए या हायर होना चाहिए, i3 से लेस नहीं होना चाहिए, आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे, सिस्टम आपका सपोर्ट नहीं करेगा एग्जाम को। एंड एटलीस्ट आपका 4GB का रैम होना चाहिए, 4GB से कम होता है आपका रैम तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। एंड आपका जो वेबकैम होने वाला है वो फुल्ली फंक्शनल होने वाला है, जैसे कि मैंने आपको बताया आपका 100% एग्जाम के टाइम आपका वेबकैम ओपन रहने वाला है, तो आपको वेबकैम जरूरी होना चाहिए, 100% फंक्शनल होना चाहिए। एंड यहाँ पर आपको क्रोम वर्जन देखने मिल जाता है 70% और अबाव होना चाहिए। एंड आपको पॉपअप ब्लॉकर जो है वो डिसेबल करना है, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एंड वेब ब्राउजर को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्रोम ब्राउजर पे ही होगा। एंड आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो स्टेबल होना चाहिए, मिनिमम 2 Mbps की डाउनलोड स्पीड और 1 Mbps की अपलोड स्पीड होनी चाहिए, तभी आप इसमें यूज कर सकते हो। एंड आपका पावर सप्लाई नहीं करना चाहिए, अगर आपकी टेस्ट चालू है अचानक से लाइट चली जाती है, पावर सप्लाई ऑफ हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाएंगी, इसलिए अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होना चाहिए आपके लिए। तो आपकी सिस्टम की रेडीनेस है वो आप चेक कर सकते हो, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले चेक की। एंड लोकेशन एंड अदर रिक्वायरमेंट की आपको देखने मिल जाती है कि आपको जो शांत जगह पे होना चाहिए, एंड आपका पीछे का जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो प्लेन होना चाहिए दोस्तों। इस तरह से आपको लोकेशन एंड अदर रिक्वायरमेंट पे देखने मिल जाता है, तो आप ये रीड आउट कर सकते हो। यहाँ पे ब्राइट लाइट होना चाहिए, अंधेरा नहीं होना चाहिए, इस तरह से और भी डिटेल्स आपको यहाँ देखने मिल जाती है।
फिर बिहेवियर की गाइडलाइंस देखने मिल जाती है आपको यहाँ पे, वो भी आप रीड आउट कर सकते हो। एंड क्वालिफिकेशन राउंड एंड फाइनल राउंड जो है उसकी भी डिटेल्स आपको यहाँ देखने मिल जाती है कि क्वालिफिकेशन राउंड में टोटल 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जो कि आपको 60 मिनट्स में आंसर करने होंगे। सेक्शन वन जावा और पाइथन जो भी आप लैंग्वेज सिलेक्ट करते हो उस पर होगा, उसके 20 क्वेश्चन होंगे। फिर सेकंड सेक्शन जो होगा उसमें डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम होगा, उसके 10 क्वेश्चन होंगे। फिर सेक्शन थ्री आ जाता है एप्टीट्यूड, उसमें आपके 10 क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह से फर्स्ट राउंड जो होने वाले क्वालिफिकेशन राउंड उसमें 3 सेक्शन मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे रॉन्ग आंसर के लिए आपको नेगेटिव मार्किंग होंगी 0.25 मार्क्स की। तो इस तरह से होने वाला है। एंड आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले ही सिलेक्ट करना है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, जैसे कि मैंने आपको बताया। एक बार आप सिलेक्ट कर लेते हो दोस्तों तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप चेंज नहीं कर सकते हो। फिर फाइनल राउंड आ जाता है, फाइनल राउंड में भी इस तरह से 3 सेक्शन देखने मिल जाते हैं। जावा पाइथन के क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो जाते हैं, हैंड्स ऑन क्वेश्चन हो जाता है, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम के क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ क्वेश्चन मिलेगा। और फाइनल राउंड में नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। तो आप अगर फाइनल राउंड क्लियर कर लेते हो तो आपको इन्फोसिस का सर्टिफिकेट मिल जाएगा दोस्तों। आपको 65% या उससे ज्यादा स्कोर करना होगा तभी आपको इन्फोसिस का सर्टिफिकेट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अगर 65 से कम स्कोर करते हो तो नहीं मिलेगा आपको। इन्फोसिस सर्टिफाइड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बन जाओगे आप, इन्फोसिस का सर्टिफाइड सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर बन जाओगे। यहाँ पे आपको एक एडवांटेज राउंड देखने मिल जाता है। यहाँ पे एडवांस टेस्ट होने वाली है। फाइनल राउंड और क्वालिफिकेशन राउंड के अलावा एक एडवांटेज राउंड आपको देखने मिल जाता है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको वेरियस प्रोग्रामिंग एंड टेक्निकल स्किल्स की टेस्ट होने वाली है आपकी। यहाँ पे डिफरेंट वेटेज के क्वेश्चन होंगे, डिफरेंट वेटेज के क्वेश्चन होंगे दोस्तों, एंड डिफरेंट मार्क्स होंगे उसको, एंड डिफिकल्टी भी वेरी होंगे, सभी के अलग अलग होंगे। 3 आवर्स का टेस्ट होगा, 3 आवर्स में आपको सॉल्व करना होगा। यहाँ पे आपको प्री प्लेसमेंट इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी मिल जाती है अगर आप एडवांटेज राउंड क्लियर कर लेते हो तो। एंड आपको सिस्टम इंजीनियर स्पेशलिस्ट का रोल मिल जाता है एंड पावर प्रोग्रामर का रोल मिल जाता है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए। तो ये थी सभी अपडेट इंफोसिस सर्टिफिकेशन एग्जाम को लेकर। तो इसकी जो लेटेस्ट अपडेट आती रहेगी वो मैं आपको बताता रहूंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।